हाय फ्रेंड्स दिस इज संदीप पांडे आज फिर मैं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं क्लास ट्वेल्व चैप्टर फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ एंड वेरिएशन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है तो वाट इज़ बैक क्रॉस देखिए बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है बैक क्रॉस इज अ क्रॉस जिसमें क्या होता है जो एफ वन या एफ टू जनरेशन के जो प्रोजेनी होते हैं उसका क्रॉस उसके आइदर ऑफ द पेरेंट से होता है वो पेरेंट टॉल भी हो सकते हैं या पेरेंट डोमिनेंट कैरेक्टर के हो सकते हैं या पेरेंट डॉर्फ हो सकते हैं या पेरेंट आपका रिसेसिव कैरेक्टर के हो सकते हैं यहाँ पर मैंने टॉल और ड्वार्फ का एग्जाम्पल लिया है मैं इस जो है ट्रेड के जरिए मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ एज यू नो द टॉल एंड यू नो डॉर्फ टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फ इज रिसिव कैरेक्टर सो हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस वी विल अंडरस्टैंड वाट इज बैक क्रॉस तो बैक क्रॉस क्या है बैक क्रॉस है फर्स्ट या सेकेंड फिलियल जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का उसके आइदर ऑफ द पेरेंट के साथ में क्रॉस कराना तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर एक क्रॉस है दिस इज यू नो सिंपल क्रॉस सो वी हैव टेकन टू पेरेंट्स वन टॉल एंड वन ड्वार्फ ओके क्रॉस बिटवीन द प्योर ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट सो टॉल पी प्लांट का आपको पता है कैपिटल टी और कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं और ड्वार्फ को स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से डिनोट करते हैं ओके okay? नाउ जब ये क्रॉस हम लोग करेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिए इस क्रॉस में क्या हो रहा है ये जो आपका टॉल और ये जो आपका ड्वार्फ है आपको पता है कि इन एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंस एंड क्या होता है कि इन दिस जनरेशन ऑल प्लांट्स विल बी सोइंग देयर डोमिनेंट कैरेक्टर सो हियर दिस इज टॉल एंड दिस इज डॉर्फ सो हियर ऑल प्लांट्स विल बी टॉल ऑल टॉल एंड दिस विल बी

यू आर क्रॉसिंग दिस पेरेंट सॉरी दिस प्रोजनी विथ दिस ओके ये आपका टॉल के साथ जब आप क्रॉस करा रहे हैं तो क्या हो रहा है ये जो आपका है यहां पर इसको लिखेंगे ठीक है एफ वन हाइब्रिड का जो टॉल आया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे और ये जो पेरेंट है पी वन इसको यहां पर लिखेंगे ठीक है आप अगर चेकर बॉक्स में अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आपका निकलेगा इस, इसी क्रॉस को जो है हम बॉक्स में करके आपको दिखाते हैं ये ये अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो क्या होगा कि आपका एक तरफ हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड एक तरफ आपका हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी सो वैन यू विल क्रॉस यू विल गेट कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स ऑल प्लांट्स विल बी यू नो टॉल यानी कि जितना आपका यहाँ पर प्लांट जो है आ रहा है जो भी आपका यहाँ पर प्रोजेनी आ रहा है ऑल विल बी टॉल यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो यहां पर भी शो होगा सारे में ओके सारे में ओके तो ये क्या है आपका वेन यू आर क्रॉसिंग एफ वन प्रोजे विथ पी प्लांट उसके टॉल जो मतलब ये तो आपका हो गया एफ वन जनरेशन का जो प्रोजनी हो गया इसको आप क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ इसको क्रॉस कर रहे हैं इसके टॉल इसके टॉल पेरेंट के साथ इसको क्रॉस कर रहे हैं ठीक है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसके साथ आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ऑल प्रोजेनि विल बी यू नो सोइंग द डोमिनेट कैरेक्टर दैट इज टॉलनेस ओके नाओ वेन वी टॉक अबाउट दी अदर पेरेंट अगर हम अदर पेरेंट के बाद अगर बारे में बात करें तो यहां पर क्या है आप इस टॉल प्लांट को जो कि आपका एफ वन प्रोजेनी है इसको क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ तब क्या होता है तो वेन यू आर क्रॉसिंग दिस यू नो एफ वन प्रोजेनि टू इट्स रिसिस पेरेंट आप रिसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो चलिए ये हो गया आपका एफ वन प्रोजेनि एंड दिस विल बी योर न पेरेंट जब इसके साथ आप क्रॉस कर रहे हैं तो क्या होगा आपको टॉल भी मिल रहा है और ड्वार्फ भी मिल रहा है और कितना रेशियो में तो वन इज टू वन में मिल रहा है वन इज टू वन में मिल रहा है ठीक है क्लियर तो ये दोनों ही आपका बैक क्रॉस है बट ये जो आपका ये जो आपका जो रिसेसिव पेरेंट के साथ जो क्रॉस हो रहा है दिस क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट क्रॉस इसी क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस ठीक है क्लियर यानी वो बैक क्रॉस जिसमें एफ वन प्रोजेनी का एफ वन प्रोजेनी का क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ तो डॉर्फ यानी कि आप कह सकते हैं रिसिव पेरेंट के साथ तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस ठीक है क्लियर और टेस्ट क्रॉस जो है दिस इज द मेथड डिवाइस्ड बाय मेंडल टू डिटरमाइन द जेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों जरूरी है तो टेस्ट क्रॉस जरूरी है जो है ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप को जानने के लिए तो चलिए और भी टेस्ट क्रॉस हम लोग टेस्ट क्रॉस हम लोग आगे देखते हैं हियर यू कैन सी यहां पर आप एक टेस्ट क्रॉस देख सकते हैं प्लांट में ठीक है तो जो टेस्ट क्रॉस आपका पहले था सेम वही है आपका है ना कि क्या हो रहा है कि ये देखिए आपका एफ वन प्रोजेनि है हाइब्रिड है इसके पास दो गेमिट बनेगा वन टू ओके दिस इज योर रिसिप पैरेंट ठीक है जहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी है इसके पास दो गेमिट बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी वेन दिज टू आर क्रॉस्ड ठीक है आप एक को इस साइड में लिख दिए एक को आप इस साइड में लिख दिए जब इसको आप क्रॉस कराएं तो यू हैव फाउंड वॉट फिफ्टी परसेंट टॉल एंड फिफ्टी परसेंट डॉर्फ प्लांट यानी हमेशा जो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब आप जानते हैं व्हेन द क्रॉस इज टेकिंग प्लेस बिटवीन बिटवीन वन सेट ऑफ और वन वन पेयर पेयर ऑफ ऑफ कैरेक्टर यहां पर एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है टॉल एंड डॉर्फ ठीक है तो जब एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉसेस हो रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस यू कैन सी द टेस्ट क्रॉस विल प्रोड्यूस द रेशियो ऑफ वन इज टू वन यानी वन इज टू वन आपका डोमिनेंट एंडियो होगा टेस्ट क्रॉस में यू कैन सी एग्जाम्पल ऑल्सो ठीक हैिड क्रॉस जहां पर क्या है एक लॉन्ग विंग ड्रॉसोफिला ठीक है जो फ्रूटफ्लाई होते हैं ड्रॉसोफिला उसको यहां लिया गया है तो आप देख सकते हैं एक लॉन्ग विंग जो है ड्रॉसोफिला को लिया गया जो क्या है आपका हाइब्रिड है कैपिटल एल एंड स्मॉल एल ठीक है यानी कि यह या क्या है हाइब्रिड है एफ वन प्रोजे है ओके और इस एफ वन प्रोजे का क्रॉस किसके साथ हो रहा है इसके पेरेंट के साथ हो रहा है जो क्या है रिसिसिव है जो क्या है रिसिसिव है है ना देखिए स्मॉल एल स्मॉल एल यानी कि वेस्टिजियल विंग वाले हैं ये तो इसका अपना गैमिट है ना कैपिटल एल स्मॉल एल इसमें अपना गैमिट क्या होगा स्मॉल एल स्मॉल एल जब इसको क्रॉस कराया गया क्रॉस कराया गया तो क्या मिला आप देख सकते हैं वेन इट इज क्रॉस्ड तो आपको देखा गया क्या कि 50 परसेंट लॉन्ग एंड 50 परसेंट वेस्टिजियल विंग वाले ड्रोसोफिला प्रोड्यूस हुए तो यहां पर भी जो रिजल्ट है टेस्ट क्रॉस का क्या है दिस इज वन इज वन मीन लॉन्ग विंग और वेस्टिजियल विंग यानी कि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रिसेसिव कैरेक्टर है है ना उसके बीच का जो रेशियो है is is we'll में क्या होता है ठीक है डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोग को पता है है ना इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव यू नो लर्न अबाउट हाउ टू गो फॉर हाउ हाउ टू डू यू नो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में क्या होते हैं ठीक है मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर यू नो जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मोर देन वन पेयर उसके बीच में क्रॉसिंग होता है हियर यू कैन सी येलो एंड राउंड ग्रीन एंड रिंकल सो इट इज टू पेयर्स है ना दो और दो चार चार फोर ट्रेड्स के बीच में यहां पर क्रॉसिंग हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा एफ वन जो प्रोजनी होंगे इट विल बी हाइब्रिड एंड विल सो दट डोमिनेंट कैरेक्टर ओनली तो ये क्या है येलो और राउंड होंगे है ना येलो और राउंड होंगे क्लियर ये क्या होंगे येलो एंड राउंड और ये हाइब्रिड है हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब इसमें रिसेसिव एल प्रेजेंट है बट इट इज नॉट सोइंग Only dominant alleles are expressing their self, themselves. Okay. Very good. Now, again, again, as we are studying test cross, so this F1 progeny must be crossed with the, you know, recessive parent. It's recessive parent. So, this is your F1 progeny. Capital Y is small y, capital R is smaller. That is yellow round. Hybrid yellow round. Okay. This is hybrid. Hybrid yellow round. Okay. And this is your recessive parent green wrinkled small y small y small r small r okay when it is crossed when it is crossed what you will find you will find that four characters you will find over here four types of you know plants you will see over here one with yellow round one with yellow wrinkled green round and green wrinkled so here you will find the ratio of 1 is to 1 is to 1 is to 1 so the dihybrid dihybrid test cross ratio is 1 is to 1 is to 1 is to 1. Is to 1 whereas monohybrid test cross ratio is 1 is to 1. Okay. You can also see another example, another example in animal that is Drosophila. Okay, in Drosophila, you can see okay, what's happening over here? Here you can see long wing gray body long wing gray body female and vestigial winged ebony body male so this is your f1 progeny because it is hybrid okay and this is your recessive parent so when the crossing is done what you will find gray long ebony long gray vestigial ebony vestigial and the ratio will be what the ratio will be what 1 is 2 1 is 2 1 is 2 1 okay so this is you know test cross and back cross we studied today in next class we'll discuss the another topic of genetics that is principle of you know inheritance and variation from this chapter we will discuss the another topic तब तक के लिए थैंक यू अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दैट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अनदर वीडियो ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे